यहाँ पे सामने वाले बंदों की तो तुम्हारा भाई टीम निपटा देता है, अब बचा है लास्ट का बंदा, और क्या मैं यहाँ पे चिकन डिनर ले सकता हूँ? नहीं मतलब तू सोच रहा हूँ, देखता ही नहीं हूँ यार, तेरी हेल्प भी नहीं देखता हूँ यार। तो भाई लोग कैसे हो यार, स्वागत है आपका एक और नए बीजीएमआई के गेम प्ले वीडियो में। और भाई इस वीडियो में तुम लोग मेरा बताना कमेंट करिए, क्या इसमें चिकन डिनर होता है अपना कि नहीं होता, वो तो तुम्हें वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या मतलब मैं अपना वॉच टाइम बढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है यार। अब देखो चिकन डिनर है, एंड में दिखाऊंगा, शुरू में तो दिखा नहीं सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। अरे यार यही बात, पैसा पैसा है, पैसे से क्या है करण। बाकी आज का ये वाला मैच अपन लोग खेल रहे होते हैं हर्षी लव के साथ में, तो तुम लोग को पता है क्या है सीन, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कई बार बता रखा है कि, अब देखो मैं फिर नहीं बोलने वाला। बाकी नंबर एक और नंबर दो दोनों नल्ले रैंडम है फकीर। अब भाई वीडियो के एंड में देखना, ये गधे ऐसी ऐसी बातें करने वाले हैं। और हमारे भाई नंबर चार, भाई गाली गलौज पे उतराएंगे, लेकिन भाई ने मना किया दिखाने के लिए, फिर भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन म्यूट करके दिखाऊंगा, देखना मजा आएगा। और अभी किल के लालच में इतना गिरा दिया है मैंने अपना, ठीक है, मतलब अपना कैरेक्टर की भाई क्या ही बताऊं, जितने बंदे आ रहे हैं लोगों के मैं सिर्फ पीटियां डाल रहा हूं, क्या बताऊं। अब देखो लैंडिंग ना जाने गड़बड़ हो गई इसमें, कैसे लैंडिंग, अब मैं ठीक है बहाना तैयार हो चुका है, लैंडिंग ऐसे गड़बड़ हुई, ये जब इधर नीचे पहुंचता है तो ये घुमा देते हैं। और एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, क्या तुमने कभी इस मोड में इतनी गरीबी देखी है भाई, गोली के नाम पे कुछ नहीं, बंदूकें लाल पड़ी हैं खून के बराबर, देख रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं है। अब सामने बंदे मेरे पे रश कर रहे होते तो उस पर मैं ऐसे एक फर्जी नेट डालता हूँ, इससे तो कुछ हुआ नहीं, हमारे सारे टीम में ठिल चुके हैं और ये है सामने, तो इसी पे नेट ले जाता हूँ मैं। और भगवान करे इतनी घटिया मौत किसी को नहीं दे, बताओ बिना गोली के मरा हूं, लेकिन फिर भी इतनी पावर है कि नेट से तुम्हारे भाई ने कुत्ता फाड़ दिया। और किल फीड जरा एक बार चेक कर लो, जिन लोग को भी लगता है ना नूब लॉबी में खेल रहा है, टीयर दिखा दे भाई, टीयर हर वीडियो में दिखाते हैं, और देख लो तुम जरा बंदों पे इतनी इतनी स्किने है ना, पागल हो जाओगे। तो अभी के लिए तुम्हें पता है जैसे कि मैं ठिल चुका हूं, तो नीचे यहां पे ये हॉट ड्रॉप होता है, यहां पे अपन लोग लैंड करते हैं, और ये जो एक आध बोट थे सब मैंने चुरा लिए इनके किल, क्योंकि हमारे नंबर एक भाई, इनसे भाई क्यों बोलूं भाई, मैं इतने घटिया आते हैं ना रैंडम, तुम देखना आगे क्या हरकतें करेंगे। तो हम लोग गुजर रहे होते हैं इधर अपार्टमेंट की वादियों से भाई, सुंदर शुद्ध वादियों से, यहाँ पे बिल्कुल मस्त एकदम घास दिख रही होती है। अब मैं जा रहा हूँ तीसरी राइड में, जो तीसरी बिल्डिंग है ना लास्ट वाली, वहाँ पे एक बग्गी मेरे को खड़ी दिखती है और बंदा भी दिखा था दूर पे, तो मैंने कहा रीरे पे रश करा जाए, लेकिन सबसे पहले लैंड बड़े प्यार से लैंड करूंगा, ये नहीं कूद गए उल्टे सीधे तरीके से ना। अब देखो मेरा रश गेम प्ले जरा, तो यहाँ पे तुम्हारा भाई दो बंदे पे लेता है और देख रहे हो रश गेम प्ले, मतलब यार ऐसी ऐसी जगह से मिलता हूँ बंदे, हैरानी रह जाते हैं, कहते होंगे यार कौन आ गया। और इस वीडियो में तुम्हारे भाई को मिल चुकी है मिनी, भाई मिनी चलाएंगे गाइस, आगे तुम्हें देखने को मिलेगा। बाकी अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये छह किल मिले, क्योंकि ऊपर का जो तुम्हें पता है पेड़ी डल गई बाकी। और तुम किल फीड देखो भाई एक बार के लिए किल, मतलब मैं तो क्या बोलूँ यार, बोल बोल के थक चुका हूँ, क्या बताऊँ अब। तो अभी के लिए मैं और मेरा टीममेट नंबर चार भाई बंदे ढूंढ ही रहे होते हैं यहाँ पे, बंदों को ढूंढते ढूंढते हम लोग आ गए नाव पे, मैंने कहा यार और कोई दिख नहीं रहा है, बंदे यही होने चाहिए और होते हैं। जैसे ही यहाँ पे मैं आया लेफ्ट से एक बंदे के फुटस्टेप आना चालू हो गए, अब इसको तो यहाँ पे मैं सीधे फटका देता हूँ। लेकिन गाइस एक और गलत सीन है यहाँ पे, देखो ये जैसे ही बोट आगे चलना चालू होती है भाई रिवाइव ऑटोमेटिक कैंसिल होता है, मतलब रिवाइव दे नहीं सकते जब तक बोट रुकेगी नहीं, तो कर रहा क्या ये बंदा नेड कर रहा होता है, तो मैंने कहा जब तक ताऊ रश नहीं कर रहे हैं तब तक भाई रुकते हैं। अब देखो अचानक से यहाँ पे बोट पता नहीं रुकी कि नहीं, लेकिन और भाई कुछ ऐसा सीन हो रहा है अभी के लिए, भाई मैं गोली चला रहा हूँ, गोली हवा की रफ्तार से इधर उधर भाग रही है, अरे यार मैं तो क्या बताऊँ, अजीब ही सीन है, अजीब ही हरकतें चल रही है, क्या ही बताऊँ, गोली मार रहा हूँ गोली हिल रही है ऑटोमेटिक। यार अभी के लिए बोट के ऊपर तो यही बंदे थे, तो यार इन्हीं को सुला के निकल लेते हैं इधर से। और गाइस अगेन एक बार जरा किल फीड चेक करो भाई, ग्लेशियर वाले बंदे हैं, बैरल वाले बंदे हैं, डीपी वाले बंदे हैं, यूएमपी वाले बंदे हैं, अब मैं तो पता नहीं क्या बताऊँ, इतने इतने खतरनाक बंदे आते हैं।
अभी के लिए नीचे की तरफ कुछ बंदे थे तो उन्हीं को पेलने के लिए मैं यहाँ पे कूद जाता हूँ सीधे। अब कूद के यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इस वाले घर की छत पे। अब देखो यहाँ पे आ गया, आगे वाले घर में से फुटस्टेप आ रहे होते। मैंने कहा यार बंदा ऊपर होगा या पता नहीं कहाँ होगा। और इस दल्ले की एक बार के लिए जरा कैंपिंग देखो, मतलब मेरे को लगा भाई बंदा आगे घर में है, तो मैंने कहा देखो या तो ये ऊपर बैठा होगा या ये सामने होगा। अब उतने में इसका टीममेट मेरे पे रश करता है। और यहाँ पे मैंने क्या ही गोबर किया पता नहीं भाई। ठीक है अब देखो बहाना मैंने तैयार कर लिया उतनी देर में, बहाना ये वो मेरे को पता नहीं चला बंदा पीछे आ गया। ठीक है बहुत घटिया बहाना है मेरे को पता है। बाकी देखो नंबर चार भाई कुछ ज्यादा ही सही है, मतलब देखो सही है यार टीममेट ना, इसने मेरे किल चुराए। ठीक है और भाई ने बचा भी लिया सीधे, ना कि कोरोना एम जैसा भाई गू की तरह अभी ठेले होते हम में से एक ना एक कोई। क्या ही बताऊँ, सोच रहा हूँ इसे भी जरा ले लूँ अपने रैंडम मैचेस में, जो भी खेलते हैं गाइस देखते हैं, शायद से ये भी तुम्हें आगे वाली वीडियोस में देखे। बाकी अभी के लिए नौके लोग हैं, ये आगे भी लेट आ रहा। अभी पीछे की तरफ एक बंदा नॉक किया, आगे भी मेरा टीममेट बता रहा होता है लेकिन वो तो भाई नहीं पेल दिया। मैं क्या बताऊँ, कोई बात नहीं इसे पेल दिया अभी के लिए। और आगे मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपना भाई कितने अच्छे गुण है मेरे अंदर, कितना ज़्यादा मैं दानवीर हूँ भाई आगे देखने को मिलेगा। अभी के लिए इन बंदों को जैसे ही अपने पहला नंबर एक आ जाता है गधे का बच्चा। और आप देखो यहाँ पे फाइट, अब देखो आगे एक बंदा नॉक किया है मैंने। अब मैं रश कर सकता था क्योंकि दो तीन बंदे थे वहां पे, असल में रश कर देता लेकिन नंबर एक नॉक हो गया। अब मैं इतना दानवीर हूँ ये नहीं भाई रश कर दूं, मैंने कहा इसे रिवाइव दे दूंगा क्योंकि नंबर चार भाई नशे में है, वो उड़ गया आगे की तरफ। ठीक है मतलब जैसे भागा नहीं मुझे छोड़ के भाई निकल लिए। तो मैं इतना दानवीर हूँ भाई अपने नल्ले टीममेट को रिवाइव देने बैठा, यार ये होती है ना भाई, ये होते हैं सच्चे आदमी के गुण। कुछ भी। बाकी जब तक मैं उस गधे को रिवाइव देता हूँ तब तक ये बंदे निकल लिए भाई, इनकी फट गई मतलब एक बार मैंने नॉक के दे दिया अपने किल फीड के चमका दी, ये बंदे निकल लिए। तो हम लोग आगे जोन में जाते हैं, अब थोड़े मतलब कम ही बंदे बचे हैं यहाँ पे, आगे से फायरिंग हो रही होती है। तुम्हारा भाई यहाँ पे दो बंदे निपटा देता है और नंबर चार भाई अपने हो गए नौ क्योंकि एक और बंदे ने रश कर दिया है। गिली सूट वाला है मेरा टीममेट बताता है पीछे कहीं बैठा है। सबसे पहले मैंने किया होल्ड और नंबर एक गधा तो ठेलेगा, उसके बस की बात है नहीं खेलना। और इस बंदे का तो यहाँ पे खेल खत्म हो गया, 13 किल हो जाते हैं और मेरे अलावा बचे अभी 3 बंदे। अब मेरे को यही लगा कि ये एक ही टीम के है बट भाई मैं होता हूँ बहुत गलत, ये दो एक टीम के एक अलग टीम का है। अभी ना यहाँ पे मैं लेटा होता हूँ थोड़ी देर और देखो ये क्या बोलते हैं रैंडम। तो हमारे भाई छोटी उम्र में डेंजर हो रहा है और भाई बाकी ये रैंडम टीममेट्स के लिए तो सिर्फ एक चीज, तुम्हें पता है किसकी क्या औकात अभी चल रही है, कौन देख रहा है कौन खेल रहा है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इनकी गाली के लिए यही शब्द काफी है। अब एक बंदा तुम्हारा भाई यहाँ पे नेट से पेल देता है तो मैंने कहा यार क्या बोलते हो घुस जाए इन पे। अब देखो एक और नेट यहाँ पे मैंने कर दिया, मैंने कहा शायद पेटी डल जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मेरे पे एक पुटल पड़ा था, इसका बढ़िया वाला इस्तेमाल करता हूँ और देखो इससे कितना फायदा मिलता है मेरे को। अब गाइस इसके बाद बचा होता है सिर्फ और सिर्फ आखिरी बंदा, तो मेरे को बताओ क्या पल लोग अब चिकन डिनर ले पाएंगे। ये चीज़ अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वीडियो के एंड में, जस्ट हाँ अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, इसके बाद एक छोटी सी क्लिप डाल देंगे। ठीक है बकवास कर रहा हूँ भाई पूरी। अब देखो यार ज़्यादा के इस मोड में मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ मोड क्या, एक तो हार्ड लॉबी ऊपर से इस मोड में मिल भी नहीं रहे भाई, यूट्यूबर्स के ही जाके देख लो भाई सब बता रहे हैं इतने मिल नहीं रहे। ठीक है अभी बहाने बाज गए मेरे को पता है, लेकिन देखो अभी अब मैं था इधर की तरफ, मेरे को सामने वाले बंदे की पोजीशन पता चल गई, नेड पिन किया लेकिन मेरे को ये नहीं पता था सीढ़ियाँ इधर हैं। मेरे को लगा ये जगह ऊपर ही ऊपर है भाई, सीढ़ियाँ होंगी नहीं, मैं नीचे नेट फेंक दूंगा। वो चढ़ के आ गया पता नहीं कब और मेरी पेटी डल जाती है। बाकी रैंक तुम लोग चेक कर सकते हो, S3 पे आ चुके हैं।
बाकी ये मैंने तुम्हें थोड़ा सस्ता मुद्दा हल्का फुल्का सा बिल्कुल क्लच दिखा दिया, क्योंकि इतना खास मेरे पे कुछ था नहीं। बाकी देखो आई होप तुम्हें वीडियो में जरूर समझ आया हो, क्योंकि भाई सारे के सारे गेम प्ले हैं अपने एज लॉबी के, जो कि तुम्हें शादी देखने को मिलेंगे। क्या मतलब मैं वीडियो बड़ी कर रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, फिलहाल के लिए इतना ही था। मैं मिलता हूँ गाइस आपसे कल एक और बेहतरीन गेम प्ले में।